वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रविवार को शाजापुर में 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 100 बेड वाले मातृ शिशु चिकित्सालय का लोकार्पण किया। अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस चिकित्सालय में जच्चा और बच्चा को हाई लेवल सर्विस मिल सकेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शाजापुर जिले के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। जिले में नर्मदा नदी का जल आ चुका है, अब पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना का लाभ भी शाजापुर को मिलेगा। परियोजना से 13 जिले लाभान्वित होंगे। किसानों को 24 घंटे पानी और बिजली की उपलब्धता मिलेगी, जिससे जिले में फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होगी। सीएम ने शाजापुर की उप तहसील मक्सी को तहसील बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने चिकित्सालय परिसर में पौधारोपण भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति दुनिया की श्रेष्ठ संस्कृति है। हमारी अच्छाई हम दुनिया में बांटने के लिए निकले हैं। हमारे तीज त्यौहार घर में मनाने के लिए नहीं है। प्रत्येक तीज त्यौहार समाज के साथ सबके बीच आनंद महसूस करते हुए मनाए जाने की जरूरत है। हमने इसकी परंपरा शुरू कर दी है। फिर भी विधायक जी ने कहा है कि मक्सी तहसील बनना चाहिए। अभी इनसे कहा कि यार अभी तो 8 ही महीने हुए सरकार बने, पूरे 5 साल आता रहूंगा, जल्दी मत करो। अभी जितनी बार बुलाओगे उतनी बार आऊंगा और जितनी बार आऊंगा उतनी बार कुछ न कुछ देना पड़ेगा। लेकिन आज आपने शुरुआत की है, निश्चित रूप से मक्सी को तहसील बनाने की घोषणा की जाती है। और आगे जितने विकास के मामले में हमने कहा कि प्रत्येक विधायक अपने विधानसभा का विकास का मॉडल बनाए, वो जो जो सोचेंगे वो सब हम देंगे और जो नहीं सोचेंगे वो भी देने वाले हैं। क्योंकि विकास के मामले में सरकार ने निर्णय किया है कि हमारा अपना जीडीपी बढ़ाना है, तो हमारा बजट भी हमने कहा कि अभी 3.5 लाख करोड़ का था, इसको बदल करके 5 साल के अंदर 7 लाख करोड़ का हमारा अपना बजट होने वाला है। इसलिए विकास के सारे मामलों में लगातार आगे बढ़ते हुए अपने प्रदेश को देश का सबसे अच्छा प्रदेश बनाना है। आज के इस अवसर पर, इस लोकार्पण के अवसर पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।